मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। मम्मी ने तो रात को बाहर जाने से मना किया है। सर, पिछले एक हफ्ते में हालात बहुत बिगड़ गए हैं। तीनों केसेस शहर के एक ही एरिया में हुए हैं, लेकिन कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। कदम शुरू से बता। मैडम, बच्चों की हालत अजीब सी हो रही है। अच्छे खासे हंसते खेलते बच्चे अचानक से एकदम कोमा जैसे सिचुएशन में आ रहे हैं। आप लोगों के आने से पहले सिर्फ तीन बच्चे थे, लेकिन अब ये सागर, ये भी ऐड हो गए। अभी आप लोगों ने बाहर देखा, वो सागर के फादर थे। चारों बच्चे एक ही हॉस्पिटल में? हाँ सर, उसी एरिया में एक बच्चों का हॉस्पिटल है। ये चारों बच्चे वहीं एडमिट है। हॉस्पिटल का चक्कर लगाते, गाड़ी निकलवाओ। ओके सर। इन केसेस के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा। सागर भी बाकी बच्चों की तरह बेहोश है और कोमा जैसी कंडीशन में। उसके टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो सब कुछ नॉर्मल है। ये सब कैटाटोनिक पेशेंट्स हैं। मतलब न चल फिर पाते हैं, न बोल पाते हैं। कभी कभार इनके दिमाग में ट्रिगर होता है, उस वक्त ये कुछ शब्द बोलते हैं मगर फिर शांत हो जाते हैं। इनकी ये हालत खाने पीने की किसी चीज की वजह से? नो, हमने सारे टेस्ट करके देख लिए, खाने पीने की वजह से नहीं। बस एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और वो स्कूल नहीं गया था। अच्छा, इन चारों बच्चों में से एक की तबीयत ठीक नहीं थी? तो और कोई वजह हो सकती है? कुछ केसेस में सर पे चोट लगने की वजह से हो सकता है, लेकिन सागर और बाकी बच्चों के केस में मुझे ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है। लेकिन अभी कुछ और टेस्ट रिजल्ट आने बाकी है। अगर उसके हिसाब से भी सब कुछ नॉर्मल निकलता है, मेडिकली हमारे पास सिर्फ एक ही रीजन रह जाता है, शॉक। एसपी आदित्य शर्मा हूँ, बैठिए। अब सागर कैसा है? कुछ नहीं बोल रहा, चाहे कितनी भी बातें कर लो कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं इसे घर ले जाऊंगी, वहां उसके दोस्त है, उसके खिलौने हैं। बस कमबख्त उसका एक फेवरेट वाला खिलौना था, वही नहीं मिल रहा।
एक मिनट। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है? पता नहीं, बीच बीच में ऐसे उठकर हाथ हिलाता रहता है। ये तो बार बार ई लिख रहा है। आप किसी को जानती है जिनका नाम ई से शुरू होता हो? हाँ अदिति, अब तक 3 बच्चों ने बनाई हुई ड्राइंग्स मेरे सामने आकर पड़ी है। और कुछ पता चला? एक मिनट। एक और बच्चे की ड्राइंग आ गई, अब 4 बच्चों की हो गई। समझ में नहीं आ रहा है ये सारे बच्चे एक ही पैटर्न की ड्राइंग्स क्यों बना रहे हैं। शायद उनके दिमाग में जो चल रहा है उसे बताने का कोई तरीका होगा। आई डोंट नो यार, कोई और अपडेट्स मिलेंगे तो कॉल करता हूँ। कदम, इस इलाके में जितने भी बच्चों की किडनैपिंग्स हुई है उनकी फाइल्स लेकर आओ। ओके सर। पूर्वी अभी अभी घर साफ किया है, यहां वहां भागो मत। ये लड़की सुनेगी नहीं। लड़की, कितनी बार समझा मैंने तुम्हें, पूर्वी के घर अभी साफ किया है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? पूर्वी, मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन पूर्वी, तुम तो, पूर्वी मैंने तुम्हें समझाया था ना कि घर गंदा मत करो, वो देखो तुम्हारे पैरों के निशान, देखो। मम्मी, मैं हॉल में ही नहीं आई, मैं तो यहाँ ही बैठी थी। पूर्वी झूठ मत बोलो, समझी तुम? नहीं मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दिखाओ तुम्हारे पैर, दिखाओ। तुम्हारा पैर तो साफ है, फिर वो पैरों के निशान। और ये खिलौना तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो मैंने अलमारी में बंद करके रखा था, टूटा हुआ है, इसे मार्केट में जाके चेंज करवा के लाना है। उठो। नहीं मम्मी, मुझे यही चाहिए। पूर्वी जिद मत करो। नहीं मम्मी, मुझे यही डॉल चाहिए। पूर्वी जिद मत करो, तुम्हारे बाल भी बहुत बढ़ गए हैं, उसे कटवाने, चलो चलो। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ बताया? सागर की बाकी की रिपोर्ट्स आ गई? किसी भी बच्चे के सिर पे चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर का कहना है कि ये सब कुछ शॉक की वजह से हो रहा है। ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। सर, आपने बुलाया मुझे? क्या तुम झूठ बोलते थे? क्या सर? बचपन में जब कोई नई मूवी लगी हो या कोई मैच देखना हो तो झूठ बोलकर स्कूल से छुट्टी लेते थे या नहीं?
हाँ सर, अब हर कोई ऐसा करता ना सर। गुड। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखो सागर, बाजार जाकर आया और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई, और डॉक्टर ने भी कहा था कि उन चार बच्चों में से एक बच्चे ने स्कूल से छुट्टी ली थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब हुई थी। हाँ सर, सुबह तबीयत खराब हो गई और दोपहर में बाजार था। हो सकता है कि सागर ने बाजार जाने के कारण तबीयत खराब होने का झूठा नाटक किया। मुझे लग रहा है कि इस बाजार का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक है। सर आपके कहने का मतलब ये है कि पहले बच्चे बाजार गए थे और वहां से लौटने के बाद ही उनकी यह हालत हुई? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। इन बच्चों की फैमिली से कंफर्म करो कि वो बाजार गए थे या नहीं बच्चों के साथ। ओके सर। तुमने इन्हीं से खिलौना लिया था ये? हाँ, इनसे ही लिया था। बहन जी ये खिलौना टूटा हुआ है, हमें नहीं चाहिए। अगर इसके बदले में आप दूसरा दे तो देखिए ना। पर ऐसा मेरे पास दूसरा नहीं है, ये आखिरी है। और अगर ये आप वापस देना चाहती है तो पैसे नहीं दे सकती मैं इसके लिए आपको। ठीक है, हमें खिलौना भी नहीं चाहिए और आपके पैसे भी नहीं चाहिए। अम्मा मुझे यही नहीं चाहिए। जिद नहीं करते, हम दूसरी दुकान में देखते हैं। चलो सर, आपका शक सही निकला। कोमा में जाने से एक दो दिन पहले सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे। ठीक है, हाँ विक्रांत। अदिति, इस सब का जवाब हमें उस बाजार से ही मिलेगा। तुम इमीडिएटली बाजार पहुंचो। हाँ सुनो, संभल कर छानबीन करना, अगर लोगों को पता चला तो हड़बड़ी मच जाएगी। ओके विक्रांत, बाय। मारा नाम क्या है? तुम्हें ये खिलौना पसंद है? हाँ तो चलो इसके साथ खेलते हैं। ठीक है चलो। आसपास की हर दुकान पे नजर रखो, खास करके खाने पीने की दुकान पर। देखो कोई औरत या आदमी किसी बच्चे को फुसला तो नहीं रहे। जी मैम। पूर्वी खा गई? पूर्वी, आपने मेरे बच्चे को देखा? चंदा, हम बहुत दूर आ गए, हमें जाना चाहिए वरना मम्मी गुस्सा करेगी। अगर हम इतना दूर आए गए तो एक बार खेल लेते हैं ना। और कोई मेरे साथ नहीं खेलता, तुम तो मेरी दोस्त हो। मेरा कोई और दोस्त, मेरी मम्मी भी नहीं खेलती मेरे साथ, तुम तो मेरे साथ खेलोगी ना? ठीक है, मेरे पास ये बॉल भी है, एक सेकेंड, इससे भी खेलेंगे। लेकिन उसके बाद तुम मुझे तुम्हारे टॉय से खेलने दोगी? ठीक है चलेगा। पूर्वी, पूर्वी, क्या हुआ? मेरी बच्ची खो गई है। मैं एस पी अदिति हूँ, आप मुझे बताइए। वो आपके साथ थी? हाँ मेरे साथ ही थी, हम लोग खिलौना बदलने आए थे, पता नहीं वो आप कहाँ। आपके पास उसकी कोई फोटो है? हाँ है ना, दिखाइए। ये देखिए मेरी बच्ची।
आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखती हूँ। प्लीज मैडम, मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पूर्वी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे किसके साथ आई थी? पूर्वी, 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 पूर्वी। पूर्वी, पूर्वी। पूर्वी, बैठो यहाँ। पूर्वी, 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 पूर्वी। यही है मेरी बच्ची पूर्वी। पूर्वी, कहाँ गई थी तू? मम्मा कितना डर गई थी पता है तुझे? पूर्वी, पता ना, बोल ना कुछ। ये बोल क्यों नहीं रही है? पूर्वी बोल ना बेटा, बोल ना, क्या हुआ है तुझे? पूर्वी, पूर्वी, क्या हुआ है तुझे? पूर्वी बोल क्यों नहीं रही है? पिछले 10 साल में इस इलाके के चाइल्ड विक्टिम्स के जो भी केसेस हैं, मुझे उन सब की रिपोर्ट चाहिए। जी। हाँ विक्रांत। अदिति, मैं कह रहा हूँ कि उस बाजार में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से इन बच्चों का ये हाल हो रहा है। तुम पूर्वी की माँ से पूछो ना कि उसने उस बाजार से उसके लिए कोई चीज खरीदी थी, जैसे कोई कोई सेंट या शायद कोई खिलौना। नहीं विक्रांत, मैंने उस बाजार में एक छोटी सी बच्ची को देखा था। पता नहीं क्यों कुछ तो ठीक नहीं लगा मुझे उस बच्ची के बारे में। मतलब क्या ठीक नहीं लग रहा है? विक्रांत, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मैडम, सागर बैठा हुआ था, फिर पता नहीं कैसे अचानक किसी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और ये जमीन पे गिर गया। मैडम, सागर की पल्स रेट गिर गई और उससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तुरंत इसे ओटी में शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर, मुझे लगता है कि हमें दूसरे बच्चों के वाइटल्स भी चेक करने चाहिए, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। नर्स, तुम ओटी में तैयारी करो, तब तक मैं दूसरे बच्चों को चेक करता हूँ। हाँ विक्रांत। अदिति, तुमने मेरा फोन क्यों कट किया? विक्रांत, वो सागर को मिर्गी का दौरा पड़ा और डॉक्टर का कहना है कि उसे ओटी में शिफ्ट करना होगा। उसका एक फेवरेट वाला खिलौना था, वही नहीं मिल रहा। विक्रांत, सागर की माँ किसी खिलौने का जिक्र कर रही थी। कौन सा खिलौना? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। उस दिन आप किसी खिलौने का जिक्र कर रही थी, क्या था वो खिलौना? वो खिलौना हमने खरीदा नहीं था, मार्केट में किसी औरत ने उसे दिया था। आप पूर्वी को भी वो खिलौना एक औरत दिखकर गई थी। कैसा था वो खिलौना? वो ड्रम वाला बंदर था। हाँ हाँ, ड्रम वाला बंदर था। इन बच्चों में कॉमन क्या है? इन्हें नुकसान पहुंचा के किसी को क्या मिलेगा? लेकिन उनके ब्लड रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल है, तो उनकी ये हालत क्यों है? ये तो तभी पता चलेगा जब तुम उस बाजार का एक और चक्कर लगाओगी। जरूर जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उस बच्ची का इन सब के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन है। कादा, चाइल्ड विक्टिम्स की रिपोर्ट मांगी थी। हवलदार, फाइल दो। ये लड़की? ये चंदा है, पिछले साल से गुमशुदा है। और वो खिलौने वाली का कुछ पता चला? हाँ मैम, इस बाजार के आगे ही वो खिलौने बेचती। चलो चलो उसे ढूंढते। जी मैम। ले जाओ इसे पुलिस स्टेशन।
ये है वो औरत। काम क्या करती हो? सब मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती सब। मैंने कहा तुमने कुछ किया है, जितना पूछा गया है उसका जवाब दो। खिलौने बेचती हूँ साहब। खिलौने बेचती हो या बच्चों को अगवा करती हो खिलौनों का लालच देकर? नहीं 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 साहब, ये आप क्या कह रहे, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो ऐसे नहीं मानेगी, जेल की हवा खाएगी तो सब उगल देगी। अरे साहब, मैं पिछले 8 सालों से यही खिलौने बेचने का धंधा कर रही हूँ उस बाजार में। अगर मैंने किसी बच्चों को अगवा किया होता तो ये काम मैं कैसे कर सकती इतने साल? इस निशान को देखा है पहले कभी? नहीं, नहीं देखा है साहब, मैंने कभी नहीं देखा। जा, इसके सारे खिलौने चेक करो बाहर, स्पेशली वो ड्रम वाला बंदर। और सुन, शहर से भागने की बेवकूफी मत करना। पूर्वी, तुम इसे जानती हो? पूर्वी, तुम चंदा को जानती हो? विक्रांत बोलो। अदिति, हमें वो खिलौने बेचने वाली औरत से उसका खिलौना नहीं मिला। विक्रांत, वो खिलौना मिलेगा भी नहीं। क्या? क्योंकि वो यहां है। चंदा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? दीदी, आप मेरे साथ खेलोगे? मित्रो, मेरी बहन मित्रो, हम वापिस घर जाएंगे। मित्रो,
पूर्वी, हम सब लोग यहाँ कैसे पहुँचे? दीदी, हमें आज चंदा लेके आई है। वो कहती है कि उसे हम लोगों के साथ खेलना है। चंदा कहाँ है? नहीं पता दीदी। अच्छा, तुम लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता पता होगा ना? देखा है कहीं? यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। कुछ नहीं होगा, हम सब लोग यहाँ से बाहर निकले। हाँ, रोना नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम सब लोग निकले। मैं रास्ता ढूंढूंगी, हम सब लोग घर जाएंगे। हाँ, कोई भी यहाँ नहीं रहे, हम सब लोग जाएंगे। अदिति मैडम पूर्वी से बात कर रही थी, मैं डॉक्टर से मिलने गई थी और जब तक मैं लौटी तब मैंने देखा अदिति मैडम बेहोश हो गई थी। डायग्नोसिस क्या कह रहे हैं डॉक्टर? टेस्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अदिति की हालत भी बाकी बच्चों की तरह ही हो गई। कुछ भी कीजिए लेकिन इसे कुछ मत होने दीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली इन्हें हुआ क्या है। इनके पास ये था जब ये बेहोश हुई थी। चंदा केस अनसॉल्वड है, लड़की गायब हुई लेकिन वापस नहीं लौटी। वो तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं लेके जा सकती। चंदा, तुम हम सबको कहाँ लेकर आई? ये मेरा घर है। क्या चाहती हो तुम? मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है और मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं खेलती, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे लाई हूँ। चंदा, तुम ये गलत कर रही हो। तुम ये बताने यहाँ पे आई हो और अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं खेलना है तो तुम यहाँ से जाओ। चंदा, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, हमें हमारे घर पे जाना है। चंदा, सुना नहीं चंदा तुमने? चंदा, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता। चाबी कहाँ है? इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता, तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं खेलती हो? चंदा रुको, चंदा, चंदा रुको, चंदा, चंदा, चंदा!
मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं। तुम्हें पकड़ने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ उन निर्दोष बच्चों की जान बचाने आया हूं जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। चले जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें मार डालूं, चले जाओ यहां से। चंदा मर चुके, वो वापस नहीं आ सकते। उसकी मौत की सजा तुम इन निर्दोष बच्चों को दोगी जिनकी कोई गलती नहीं है। ये भी किसी और के बच्चे हैं चंदा की तरह। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए उन बच्चों को और उनके मां बाप को सजा दे रही हो। मेरी चंदा बहुत परेशान करती थी वो मुझे। मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो, पर मैं कैसे खेलती उसके साथ? अरे उसके साथ खेलती तो काम कहाँ करती, काम नहीं करती, तुमसे खाना कहाँ से खिलाती? कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा है। तुमसे एक बार कहा ना, मैं रोटी कर रही हूँ, मुझे बाजार जाना है। माँ चलो ना मेरे साथ खेलो ना। एक बार कहा ना जाओ, अब तुम्हारे साथ खेलूंगी तो तुम्हें खिलाऊंगी क्या? जाओ खेलो। ऐसे ही एक दिन जब मैं बाजार में खिलौने बेचने जाने वाली थी, और जब मैं जाने लगी तो वो घर में नहीं थी, तो मैंने सोचा वो बाहर खेलने गई हो। शाम को जब बाजार से घर आई तो चंदा घर पे नहीं थी। कहाँ गई ये लड़की, कहाँ ढूंढू अभी से? मैंने हर जगह उसे ढूंढा, मोहल्ले में सबसे पूछा कि कहीं किसी ने चंदा को देखा, पुलिस को जाके बताया, उनसे शिकायत की, पर चंदा कहीं नहीं मिली। थक हार के जब मैं घर आई तो मुझे अचानक याद आया, कभी कभी लुक्का छुपी खेलते वक्त ना वो वहां छुप जाया करती थी। मैंने देखा तो उसके ऊपर खिलौने की पेटी रखी हुई थी। मैंने जाके उसे उतारा और देखा तो अपने सबसे प्यारे खिलौने के साथ वो दूसरी दुनिया में खेलने चली गई। गलती मेरी थी तो सुधारनी भी मुझे ही थी। मेरी चंदा के साथ रह के उसका ख्याल रख के उसे खुश रख के, रात को मेरे चंदा के रोने की आवाज से मुझे नींद नहीं आती थी। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। उसका वो खिलौना, उसमें से भी अजीब अजीब आवाजें आती थी। एक दिन परेशान होके मैंने वो खिलौना एक लड़की को दे दिया, और उस रात ना मुझे चंदा के रोने की आवाज नहीं आई। वो पता नहीं कैसे, लेकिन वो उस लड़की को ना अपने साथ खेलने अपनी दुनिया में लेके गई थी। उस रात मैं सो सकी, लेकिन दूसरे दिन सुबह वो खिलौना फिर से यहीं पे था। तब मेरी समझ में आया कि मेरी चंदा को खुश रखने के लिए मुझे क्या करना है, और मैंने वही की। तुम्हारी समझ में आ रहा है तुम क्या कह रही हो? अपने सुकून के लिए उन बच्चों की जान ले रही हो, और तुम खुद जानती हो कि अगर इस चीज का कोई हल है तो तुम्हारे पास है, और वो ये नहीं है जो तुम कर रही हो, ये तुम भी जानती हो। सब मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ देर के लिए अकेले बैठने देंगे,
मेरा विश्वास कीजिए, मैं जरूर आऊंगी, बस थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर। हेलो विक्रांत सर, अदिति और बाकी बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। I'm afraid we are losing them. डॉक्टर कुछ भी कीजिए लेकिन उनकी जान बचा लीजिए प्लीज। ओके। एक बार कहा ना, मैं रोटी कर रही हूँ, मुझे बाजार जाना है, जा अपने आप में खेल। माँ चलो ना मेरे साथ, खेलो ना। चंदा मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैं आऊंगी ना तुम्हारे साथ खेलने, तुम इन बच्चों को छोड़ दो, हम बहुत खेलेंगे, ले जा, तू ले जा मुझे अपने साथ चंदा। अदिति आर यू ओके? यस डॉक्टर। हेलो विक्रांत साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, अदिति और बाकी सब बच्चों को भी होश आ गया है। दे ऑल आर परफेक्टली फाइन नाउ। मैं उससे बात कर सकता हूँ? यस यस। या हेलो विक्रांत, तुम ठीक हो? हाँ विक्रांत मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों चंदा के साथ साथ मैंने उसकी माँ को भी देखा अभी भी वहाँ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। फाइनली केस सॉल्व विक्रांत, और डॉक्टर का कहना है कि सारे बच्चे भी अब ठीक हैं। केस सॉल्व? ये तुम कह रही हो? पता है विक्रांत,
कभी कभी कुछ गलतियां ही सब कुछ ठीक कर देती है। जो गलती हम इस दुनिया में करते हैं शायद ही वो कभी किसी अनजान दुनिया में माफ हो जाती है। मतलब? मतलब चंदा की माँ ने जो गलती की थी अब उसे उसकी माफी मिल गई है और अब वो उस अनजान दुनिया में अपनी बच्ची के साथ खुश है। शायद